आप सभी लोग कुपरी का जनता जानते ही होंगे। ये राजभूषण प्रसाद जी बहुत लंबे समय से सामाजिक कार्य में बहुत एक्टिव रहते हैं और सभी प्रकार के सामाजिक कार्य में अपना योगदान देते रहते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप करवाना या कोई भी ऐसा सामाजिक काम है जो कुपरी की जनता के लिए भलाई का काम होता है, उस पर एक्टिव रहते हैं। आज यह अपने उप सभापति पद के लिए नॉमिनेशन दिए, तो इनसे हम बात करेंगे कि कुपरी की जनता के लिए इनका क्या विचार है। सबसे पहले आपका स्वागत है कुपरी फेसबुक पेज के इस लाइव सेशन में। मैं कुपरी पेज के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे उस लाइक समझे कि जनता तक पहुँचाने का काम जो आप कर रहे हैं, मुझे उस लाइक समझे, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सवाल यह रहेगा कि कुपरी पेज के जनता के लिए आपका क्या विचार है कि आप उप सभापति पद के लिए नॉमिनेशन दिए हैं। कुपरी क्षेत्र की जनता के लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, क्योंकि पिछले 8 साल से जो मैंने समाज सेवा किया है कुपरी के अंदर, वह कुपरी के अंदर जो समाज सेवा करते करते जो समस्याओं को मैंने देखा है, बहुत बड़ा समस्या है, बहुत काम करना पड़ेगा। 24 घंटे में कम से कम अगर मुझे जनता मौका देती है तो मुझे लगता है कि 24 घंटे में 18 घंटे मुझे काम करना पड़ेगा, तब जा कर के अगले पंचवर्षीय में कुछ हद तक यहाँ समस्या कमेगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी समस्या है, इसके लिए मुझे लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं पूर्व रघुनीगोप टावर से लेकर के और जो पुपरी मधुबनी रोड है उसका रोड आज तक नहीं बना, एक बार बना भी तो वो इतना घटिया क्वालिटी था कि वो अगले 3 महीने में ही टूट फूट के बराबर हो गया, मतलब रोड बना या नहीं बना कुछ आज तक पता ही नहीं चलता है। ये समस्या, और भी समस्या ये है कि पुपरी बाजार होते हुए जो टेलर सब आता है उसका थोड़ा सा व्यवस्थित करवाने के लिए मैं अपील करूँगा उच्च स्तरीय पदाधिकारी से। ये मेरे पावर में तो नहीं रहेगा, लेकिन मैं अपील कर सकता हूँ, आम जनता का आवाज़ मैं सदन तक पहुँचाने का काम करूँगा। उनकी जो भी समस्या है, चाहे वो मार्केट में टेलर का हो या प्रदूषण का हो या और भी विभिन्न तरीके की जो समस्या है, उसको मैं सदन तक पहुँचाने का करूंगा। कुपरी में जाम की एक प्रमुख समस्या, जिसे व्यापारियों को और आने वाले यहाँ आने वाले जो भी व्यवसाय है उनको परेशानी होता है, इस पे आपका क्या आग्रह करना है? अगर जनता मौका दिया, अगर जनता मालिक का आशीर्वाद मिलता है तो जाम की समस्या के समाधान के लिए सबसे पहला मेरा ये काम होगा कि पहले मैं यहाँ के डीएम से अपना एक आवेदन जनहित याचिका जारी करेंगे डीएम के पास कि यहाँ एक प्रशासन बहाल करवावे, क्योंकि यहाँ जाम की समस्या है। सीतामढ़ी और दरभंगा के बीच में अगर कोई सबसे बड़ा शहर है तो वो है पुपरी शहर। पुपरी शहर में जाम की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और यहाँ प्रशासन के द्वारा एकदम लापरवाही बरती जा रही है और करंट सरकार भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे, उनके पास जाएंगे, इसके लिए और भी जो भी प्रक्रिया होगा उसे मैं कुलफिल करूँगा और जाम की समस्या से पुपरी को निजात दिलाने का वादा मैं करता हूँ। इसके लिए लड़ाई जहाँ तक लड़ना पड़ेगा मैं लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। राजभूषण जी, आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप कुपरी की जनता की उम्मीद पर खड़े उतरेंगे और हमारे साथ कुपरी पेज में लाइव जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजभूषण प्रसाद जी, जो आज उप सभापति पद के लिए अपना नॉमिनेशन दिए हैं, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका नगर निकाय का चुनाव सभी अपडेट यहाँ मिलता रहेगा।